जय भीम साथियों, किसान आंदोलन के बाद अब आदिवासी संगठनों ने नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर 2021 की जनगणना में सरना धर्म को हिंदू धर्म से अलग मान्यता नहीं दी जाएगी, सरना धर्म को 2021 की जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा, यदि मोदी सरकार इसका आश्वासन नहीं देगी तो आदिवासी लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे, रेल रोको और चक्का जाम होगा देश में। कम से कम 3 आदिवासी संगठनों ने कहा है कि वह दिसंबर 20 और 31 के बीच देश के 5 राज्यों में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में 200 सरना धर्म सागर यानी रथ निकालेंगे। अगर 31 दिसंबर तक सरकार नहीं मानेगी तो 31 जनवरी अगले साल से देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। जनता दल यूनाइटेड झारखंड के प्रमुख और आदिवासी सेनगल अभियान के संस्थापक अध्यक्ष सलखन मुर्मू ने इस पर कहा है, आदिवासी सेनगल अभियान, केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 31 जनवरी से देश भर में रेल रोको और सड़क जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक 2021 जनगणना में सरना धर्म के लिए अलग धर्म कोड लाने में विफल रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि सरना धर्म रथ के साथ साथ जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन और रैलियां होंगी, मांगों का चार्टर भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा। उनका आगे कहना ये भी है कि आंदोलन 16 साल से चल रहा है और 15 करोड़ आदिवासियों के मूल की हक की बात है। आपको बता दें कि इस साल 6 दिसंबर को बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर भी आदिवासी समाज ने इन 5 राज्यों में रेल रोको आंदोलन किया था इसी सरना की मांग को लेकर। इस साल फरवरी में भी आदिवासी संगठनों ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया था, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी किया था। बात यह है कि आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में हमेशा कोशिश रही है कि आदिवासियों के अपने मूल धर्म को हटाकर सबको हिंदू बनाया जाए, ऐसे ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं आरएसएस। संघ को डर इसलिए भी लग सकता है कि 2011 के धार्मिक सेंसस में हिंदू जनसंख्या पहली बार 80% के नीचे गई थी, पर आदिवासी 2021 की जनगणना में अपना धर्म सरना बताना चाहते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई या जैन नहीं। गौरतलब ये भी बात है कि मोदी सरकार ने अदर्स यानी अन्य का कॉलम भी हटाने का फैसला किया है 2021 की जनगणना में। 2011 के सेंसस में झारखंड के 42 लाख आदिवासियों ने और देश भर में 6 करोड़ लोगों ने अपना धर्म सरना बताया था, जिसे उस समय अन्य कॉलम में रखा गया था। दिलचस्प बात यह भी है कि अंग्रेजों के शासनकाल में पहले एबोरिजिनल, फिर ट्राइब्स यानी आदिवासी ही कहा जाता था, फिर आज़ादी मिलने के बाद भारत को अंग्रेजों से जब आज़ादी मिली और ब्राह्मणवाद की वापसी हुई और हिंदूकरण शुरू हो गया, आदिवासी समाज का हिंदू धर्म थोपा जाने लगा, आदिवासी समाज में आज़ाद भारत में थोपा जाने लगा है। देश में लगभग 800 प्रकार के आदिवासी जनजातियों के लगभग 83 प्रकार के धर्म हैं, सरना उनमें से एक प्रमुख है। सरना हिंदू धर्म से अलग है, इसमें मूर्ति पूजा के बजाय प्रकृति पूजा का विधान है, इसमें पेड़, पौधे, पहाड़ इत्यादि प्राकृतिक संपदा की पूजा की जाती है। अगर आदिवासी समाज ऐसा बड़ा आंदोलन करता है तो किसान आंदोलन जो फिलहाल चल रहा है, चक्का जाम करे बैठे हैं किसान, दोनों मिलाकर आरएसएस और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सरना कोड के बारे में ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों तक पहुँचाइए ये बात। ये बड़ा आंदोलन है क्योंकि सालों भर से ये मांग उठी हुई है सरना कोड की, के जो आरएसएस का कहना है कि सब हिंदू राष्ट्र में आते हैं उससे एक अलग मांग है। इस अलग मांग को आप सब तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप चाहे तो शूद्र मीडिया को फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।